2015 के लिए 18 मार्च के रोज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के होश नसीब आजिम ने हज का रिजर्व कोटे और खुरा अंदाजी से इंतखाब हुआ। हज हाउस नामपल्ली में हुई अलहदा दो तकारीब में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आजिम ने हज का खुरा अंदाजी और रिजर्व कोटे से इंतखाब हुआ। सबसे पहले तेलंगाना के आजिम ने हज का इंतखाब हुआ। तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली ने बटन दबाकर रस्मी कार्रवाई अंजाम दी। मुंबई से होने वाली ऑनलाइन खुरा अंदाजी में डिस्ट्रिक्ट वाइज खुरा अंदाजी की गई। तेलंगाना के 10 अजला को जुमला 2760 का कोटा अलाट हुआ था। 2760 के कोटे में 70 साल के 643 आजमीन हज का बगैर खुरा के इंतखाब हुआ और मुसलसल चौथी मरतबा दरख्वास्त दाखिल करने वाले 894 आजमीन हज का भी बगैर खुरा अंदाजी के इंतखाब हुआ, यानी जुमला 1537 आजमीन हज का बगैर खुरा अंदाजी के इंतखाब हुआ। तेलंगाना के लिए फ्रेश दरख्वास्तें जुमला 15419 वसूल हुई थी। 15419 दरख्वास्तों में से 1223 आजमीन हज का खुरा अंदाजी से इंतखाब हुआ। हैदराबाद से जुमला 1390 दरख्वास्तें वसूल हुई। हैदराबाद की 1390 फ्रेश दरख्वास्तों के लिए 500 अफराद का इंतखाब हुआ। बॉम्बे में ऑनलाइन के जरिए जो लोग यहाँ एप्लीकेशन देते हैं, सारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ जो जो स्टेट में एप्लीकेशन आते हैं, उन लोगों को ऑनलाइन के जरिए पूरा किया जाता है। उधर आंध्र प्रदेश के माइनॉरिटी वजीर पल्ले रघुनाथ ने बटन दबाकर रस्मी कार्रवाई अंजाम दी। आंध्र प्रदेश के लिए कोटा 2245 का था। 2245 के लिए 3844 दरखास्तें वसूल हुई, जिनमें से 222 रिजर्व कोटे के तहत और 2023 का खुरा अंदाजी के जरिए इंतखाब हुआ। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से जुमला 5500 आजमीन हज का इंतखाब हुआ, जो इस साल हज की सआदत हासिल करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद मोइन के साथ जिलानी की रिपोर्ट, हैदराबाद न्यूज़ 2.com।